नवभारती डीटी कॉलेज में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सूचना के अर्थ और सूचना की परिभाषा के बारे में बताया। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है हमारा सूचना के स्वरूप और सूचना के प्रकार। कि हम देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, सबसे पहले हम उसके स्वरूप यानी कि उसकी आकृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमें देखा जाए कि सूचना का कोई स्वरूप नहीं होता है, लेकिन एक काल्पनिक जो उसका स्वरूप है वो किस तरीके का होना चाहिए, सूचना के स्वरूप के बारे में आपको बताऊंगी। साथ में मैं उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी कि सूचना के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी सूचना का स्वरूप। सूचना के स्वरूप को बताने से पहले मैं आपको जो परिभाषा बताई थी मैंने कि जो हमारी सूचना होती है, मैंने दो परिभाषा लिखवाई कि सूचना हमारी क्या होती है, उसका मूल स्वरूप यानी कि हम सूचनाओं को किस तरीके से पहुंचाते हैं, सूचना क्यों होनी चाहिए, सूचना का अर्थ क्या है। अगर इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो सूचना में आखिर ऐसी क्या परिभाषा के आधार पर क्या चीजें छुपी हुई होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूचना जो होती है वो हमेशा जो प्रेषक यानी कि देने वाला, माध्यम और प्राप्तकर्ता, इन तीनों के बीच में एक प्रक्रिया बिठाता है। अर्थात उस सूचना को हमें किस तरीके से प्रेषित करना है ये हमें सिखाता है। एक दूसरी चीज इसमें थी कि जो सूचना और संप्रेषण है, यानी कि सूचना और संप्रेषण में क्या होता है, एक घनिष्ठता होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि संप्रेषण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले संदेश यानी कि हम संदेश तैयार करते हैं, और संदेश तैयार कौन करता है, उसका प्रेषक जो उसे प्रेषित करता है, संप्रेषक यानी संप्रेषक। संप्रेषक उसकी संदेश को तैयार करता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राप्त करता यानी कि वो उसे प्राप्त करता है। ये संदेश के द्वारा प्रेषक इसे बना के संदेश के माध्यम से ये हमारी प्रक्रिया होती है। इससे पहले प्राप्त करता से पहले हम संदेश में माध्यम का चयन करते हैं कि हमें इन तीन माध्यमों से हमें इसे प्राप्त करना है। तो सूचना में ये सारा स्वरूप आ जाता है कि हमें किस तरीके से इसे हम प्रेषित करेंगे। यही चीज हमारे सूचना में है कि सूचना को हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए, यही मैं सूचना के स्वरूप में आपको बताऊंगी कि जो सूचना है, सूचना का स्वरूप आखिरकार होता कैसा है। इसमें परिभाषा मैंने बताया कि सूचना हमारा संप्रेषण जो होता है, सूचना संप्रेषण के साथ हमारा क्या घनिष्ठ संबंध है। ये सूचना बताया कि सूचना एक हमारा डाटा होती है, यानी कि अगर हम कहें तो हम सूचना को एक उत्तेजक रूप मान सकते हैं, यानी कि हमारे जो विचार में मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा करने वाला होता है सूचना। हम जब तक सूचना हमारे पास नहीं कहते हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, तब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे। यानी कि हमें उस कार्य को करने के लिए जो उत्तेजना, जो जोश हमें हमारे पास आता है वो हमारे सूचना के आधार पर आता है। और अगर हमें उस सूचना का जो संदेश हम दे रहे हैं उसके बारे में अगर हमारे पास सूचना एकत्रित नहीं होती है, तो हम उन सूचनाओं के बारे में जानना या उस टॉपिक के बारे में छोड़ टॉपिक में जान टॉपिक के बारे में जानना छोड़ देते हैं। अब है हमारा सूचना का स्वरूप। सूचना के स्वरूप को तीन भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? तीन भागों में। जो फर्स्ट है हमारा वो है इसमें गणितीय सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत। अब यहां हम देखें कि आखिरकार गणितीय सिद्धांत क्या है। अब हम इसमें सिंपल भाषा में हम देखें तो गणितीय सिद्धांत यहाँ पर एक परिभाषा है, उसका अर्थ है कि जो हमारी सूचना है वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, उस सूचना में क्या छुपा हुआ होता है वो हम देखते हैं इसमें। अब हम यहाँ पर गणितीय सिद्धांत देखें तो सूचना यहाँ तथ्यात्मक, अगर हम देखें फैक्टेड, हमने देखा यहाँ 3 + 3 तो क्या होगा ना, ये फैक्टेड चीज है यानी कि इसमें एक गणितीय है। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम इस गणित का एग्जाम्पल लेते हैं, आज हम कंप्यूटर में अपना डाटा एंट्री करते हैं या डाटा जब हम कार्य करते हैं, हमारे कंप्यूटर में जो कार्य होता है वो गणित के सिद्धांत। अर्थात हमें जैसी सूचना चाहिए उसी का ही वैसा स्वरूप, जहाँ हम उस सूचना को जिस तरीके से पहुँचना चाहते हैं उसका वही
तक पहुंचना चाहिए, यानी कि जिस तरीके का ज्ञान हम देना चाहते हैं, जो सूचना हम पहुंचाना चाहते हैं प्राप्तकर्ता तक, उसी रूप में वो सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचे उसके रियल स्वरूप में, यानी कि उसके फैक्टर में। तो ये फर्स्ट था हमारा गणितीय सिद्धांत, जिसको हमें कहते संख्यात्मक। गणितीय का नाम दिया इसको इसलिए कि ये हमारा एक संख्यात्मक होता है कि हमें उस संख्या से प्रदर्शित करता है। संख्या से प्रदर्शित करने का मतलब कि जो जैसा है उसको उसी स्वरूप में प्राप्त करना, ये हमारा हो गया गणितीय सिद्धांत। सेकंड है हमारा इसमें शब्दार्थ सूचना, शब्दार्थ सूचना, शब्दार्थ मतलब क्या होती है, हमारा उस शब्द का जो आपने परिभाषा, जो आप अर्थ निकाल रहे हो यहाँ पर, जो आप फैक्टर बना रहे हो आपको, उसका शब्द, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसका मीन्स क्या निकलता है। कहा जाता है कि सूचना ये ऐसी होती है कि जिस तरीके से हम जल लोटे में से पानी को बाहर निकालते हैं या पानी निचोड़ देते हैं, उसी तरीके से सूचनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जो ज्ञान होता है उसको पूरी तरह से हमारे सामने निचोड़ कर रख देता है, अर्थात उसका हर पहलू हमारे सामने आता है। तो इसमें यही चीज है कि जो सूचना है वो एक शब्दार्थ के रूप में होता है, अर्थात शब्द का अर्थ, जो आपका विषय है उसका अर्थ हमें सूचना में पता चल जाता है। यही सूचना का अर्थ होता है कि जिस तरह से जल को हमें किस तरीके से बाहर निकालना है या जल को हम निचोड़ देते हैं, उसी तरीके से सूचना, जो सूचना का जो शब्दार्थ का रूप है वो सूचना को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देता है, यानी कि उसका अर्थ हमें बता देता है या वो सूचना क्या कहना चाह रही है, उसका क्या अर्थ निकलने वाला है वो हमें शब्दार्थ बताता है। और जो थर्ड है हमारी वो होती है हमारी निर्णायक सूचना, निर्णायक सूचना। हमने यहाँ पर जो फैक्टर, यानी कि यहाँ हमने उसकी परिभाषा देखी कि हमें वो कार्य कैसे करना है, किस तरीके से करना है, एक औपचारिक। उसके बाद में हम कहते हैं ना औपचारिक में सामान्य, हम यहाँ उसके सामान्य अर्थ को जानेंगे, यहाँ हम सामान्य अर्थ में से उसके शब्दावली का चयन करेंगे कि आखिर हमें यहाँ से हमें किस शब्द का अर्थ निकालना है जिससे कि हमारी सूचना का पूरा अर्थ निकले। शब्दावली, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शब्दावली की आवश्यकता होती है, उन शब्दों का चयन करना होता है कि जिससे हमारी सूचना जो हम देना चाह रहे हैं क्लियर उसका हमारे सामने शब्द आ रहा है या रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है या नहीं। जब शब्दार्थ हम चयन करेंगे तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सूचना का निर्णय निकालते हैं। हम प्रत्येक चीज का जो हमारा लास्ट में होता है वो हमारा होता है निर्णय। तो इसमें कहा जाता है कि सूचना का तीसरा रूप होता है निर्णायक के रूप में, कि हमने जो सूचना का चयन किया उसका हमारे सामने क्या रिजल्ट आया। तो इसके स्वरूप, यानी कि इसकी संरचना, इसका स्वरूप कैसा है, ये हमने आज पढ़ा कि सूचना के स्वरूप जो है वो हमारे इन तीन बिंदुओं पर आश्रित है। पहला गणितीय सिद्धांत, दूसरा है हमारा शब्दार्थ सूचना, तीसरी है हमारी निर्णायक सूचना, कि हमें इसमें जो हम निर्णायक में हम क्या करते हैं कि जिस प्रणाली पर हमने कार्य किया है उस कार्य से हमें क्या प्रतिफल मिला है, ये हमारे निर्णायक, यानी कि यहाँ पर प्रक्रिया की भूमिका होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा हमने क्या निर्णय लिया। तो ये है हमारे इसके सिद्धांत। आगे है हमारे सूचना के प्रकार, सूचना के प्रकार। अभी हमने सूचना के स्वरूप में हमने तीनों सिद्धांतों का जहाँ प्रयोग किया, वहीं हम देखेंगे कि आगे जो है हमारा वो है हमारे सूचना के प्रकार। सूचना में जो है हमारे सूचना के छह प्रकार बताए, सूचना के प्रकार, सूचना के छह प्रकार बताए, जैसे पहले
भावनात्मक, सेकंड है हमारा अनुभव, थर्ड है हमारा कार्य विधि, फोर्थ है हमारा इसमें जो हम कार्य करने के बाद हमें क्या करते हैं, प्रेरित करता है, यानी कि प्रेरक, प्रेरक संबंधी। ठीक है, अब है हमारा पांचवा नीति संबंधी, और सिक्स है हमारा नीति के बाद में हम क्या करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं। पहला है प्रत्यात्मक, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक क्या होता है? प्रत्यात्मक होता है उसके अर्थ से, उसके संप्रदाय से, उसके प्रत्यय से संबंधित, कि हमारा जो सबसे पहला प्रकार है, अगर हम सबसे पहले इस चीज को जाने कि आखिरकार सूचना होती क्या है, प्रत्यय होता क्या है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्यात्मकता के अंदर, प्रत्यात्मकता के अंदर हम उस चीज के बारे में, उस जो सूचना है उसके बारे में, या उसके अर्थ के बारे में, या उसकी परिभाषा के बारे में, उसको संरचना को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर हम उसके भौतिक स्वरूप को, हम उसकी परिभाषा को, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को हमें समझने की जरूरत होती है कि हमें उस कार्य को किस तरह से करना है, या उस कार्य का अर्थ क्या निकलने वाला है, या वो जो विषय है उसका अर्थ हमें क्या कहना चाहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता होती है। ये आता है हमारा प्रत्यात्मकता में, कि हमें उस चीज के बारे में किस तरह से जाने। अगर हम कहें तो प्रत्यात्मकता जो होती है वो हमारे विचार में होती है। जो मैंने आपको बताया कि सूचना होती ही हमारी विचार, समझ है, सोच है, वो संदेश है, तो ये हमारी क्या होती है, सूचना। तो प्रत्यात्मकता का अर्थ कहते हैं, प्रत्यात्मकता किसमें छुपी रहती है, हमारे विचार में, कि आखिर हमारा विचार क्या कहना चाह रहा है, या हमारे मस्तिष्क में इस सूचना से संबंधित क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या हमारे विचार इस स्वरूप को मान रहे हैं या नहीं, या जिस विषय का हम चयन कर रहे हैं उस विषय के बारे में जानना चाह रहे हैं या नहीं, तो ये आता है हमारा प्रत्यात्मकता में। सेकंड है हमारा अनुभव। अर्थात अनुभव क्या होगा, हमारे विषय से संबंधित अनुभव, विषय से संबंधित अनुभव। अब विषय से संबंधित अनुभव किसे होगा, जो इस सूचना के बारे में जानता होगा, अर्थात जो इस विषय के बारे में जानता होगा। यानी कि यहाँ पर हम जिस चीज को कहें, तो यहाँ पर जो अनुसंधान करता होते हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं, उनको क्या होता है, अनुभव होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा प्रकार सूचना के प्रकार में सेकंड है वो हमारा अनुभव होता है। हम आगे का, पीछे का, या कहें कि हमारा जो वर्तमान में, हम सारे अनुभवों को इसमें ग्रहण करते हैं, या फिर हम किसी के ग्रहण किए अनुभवों को हम प्रयोग में लेते हैं, या हो सकता है हमारे अनुभवों को किसी ने प्रयोग में लिया हो। तो सेकंड इसका प्रकार में आता है हमारा अनुभव, यानी कि जो हमारी सूचना को, कार्य करने को आगे बढ़ाता है, या उसे आगे बढ़ाने में, या उसको प्रभावशाली बनाने में हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा होता है, अनुभव। हमारा अनुभव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनुभव के आधार पर ही हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उस कार्य को करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारी कार्य विधि, यानी कि जिसे हम कहते हैं कार्य विधि, यानी कि कार्य करने का तरीका। यहाँ पर जो विशेषज्ञ होते हैं, जो विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले होते हैं, वो अपना कार्य किस तरीके
करने की रूपरेखा को तैयार करते हैं। इससे संबंधित हम अपने किन संचार माध्यमों का प्रयोग करना है, किस तरीके से करना है, कहां से शुरू करना है, कहां तक हमें इसका एंड, यानी कि हमें पूरी यहां पर हमारी जो विशेषज्ञ अनुसंधानकर्ता या कहें कि इस कार्य को करने वाले यहां पर अपनी रूपरेखा, अपनी कार्यविधि, कार्य प्रणाली को यहां पर तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें जो हम कह रहे हैं इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रेरक। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें प्रेरक, यानी कि प्रेरक क्या हो गया, प्रेरक होते क्या है, यानी कि जो हमें प्रेरित करे, हमारे हमको कार्य करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करे, कि हमें किस तरीके से कहते हैं कि बिना प्रेरक के, बिना जरूरत के अगर प्रेरक को करें तो हम जहां में प्रेरक कौन होते हैं, हमारे आसपास में रहने वाले अर्थात हमारे वातावरण से संबंधित, यानी अगर सिंपल तौर पर हम देखें कि अगर हमें खुद को भूख लग रही है या हम कहें कि अगर कोई हमारे सामने कोई अच्छा खाना लेके बैठे तो क्या हमारा उस वातावरण में नहीं होगा मन कि हम भी खाना खाएं, उसी टाइम अगर हम भूखे हैं तो हमारा मन जो हमारा वातावरण है वो हमारे साथ हमें सिर्फ एक चीज साइड करे, हमें एक ही दिशा में प्रेरित करेंगे कि हमें खाना खाना है। तो यानी कहते हैं कि जो प्रेरक होता है, जो हमें प्रेरित करते हैं, वो प्रेरित कौन करता है, हमारा वातावरण प्रेरक कौन है, यानी कि सूचना को जो प्रेरित करता है वो होता है उसका वातावरण, यानी कि जैसा अगर हमारे वातावरण में हमें उसकी आवश्यकता होगी उस सूचना की तो हम उस कार्य को करेंगे। कहते हैं कि कार्य करने की आवश्यकता होगी तो हम उस कार्य को करेंगे, अगर हम उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करेंगे तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते, और आवश्यकता हमेशा हमें हमारा वातावरण ही महसूस करवाता है कि हमें किस तरीके से हमें कार्य करना है। तो प्रेरित करने के लिए जो हमारा है वो है हमारा वातावरण। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें प्रेरक नीति। नेक्स्ट है हमारा इसमें नीति, यानी कि हमें नीति यानी क्या, यानी कि हमारे जो कार्य करने की रणनीति, कि हमें यहाँ पर किस तरीके से पूरी नीति संबंधित जो भी होते हैं कि इसके अंतर्गत हमें जो हम निर्णय निर्धारित करते हैं, निर्णय निर्धारित करते हैं उसमें हमारी इस नीति निर्धारण में हमारी पूरी प्रक्रिया आ जाती है, यानी कि जो हम क्रम शुरू करते हैं, क्रमबद्धता स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तक तो हम सबसे पहले प्रत्यात्मकता अर्थात हम यहाँ पर सिर्फ उसके अर्थ को जानते हैं, हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, विचार के बाद में हम थोड़ा सा अनुभव लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं या तो अगर किसी ने कर चुके तो हम उनके अनुभव को ग्रहण करते हैं, जब अनुभव ग्रहण करते हैं तो हम यहाँ अपनी कार्यविधि बनाते हैं, यानी कार्य करने का तरीका या कार्य प्रणाली को संगठित करते हैं, और यहाँ पर हम जब नीति आती है हमारी तो हम यहाँ पर उसको क्रमबद्ध कर देते हैं कि अब हम उसे उस क्रिया को किस तरीके से क्रम में रखना है, उसे हमें कहाँ से शुरू करना है, जहाँ हम देखें कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें तो सूचना का सबसे पहले अर्थ बताना है, फिर हम उसकी परिभाषा बतानी है, फिर हम उसके स्वरूप को बताएंगे, फिर हम उसका, यानी कि एक रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं, हम जिस चीज को कार्य को करते हैं उसके लिए हम एक अपनी नीति तैयार कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से ये कार्य करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट है वो है हमारा दिशा, यानी कि जब हम नीति ने तैयार करी तो लास्ट में हमारा क्या होता है, दिशा संबंधी कि हम किस डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, हमारा क्या जो हमारा रिजल्ट है वो हमें किस दिशा की ओर लेके जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि कई बार हमारा जो कार्य होता है वो हमारी की दिशा निर्धारित करता है कि हमें इस कार्य को करने से हमारा हमें क्या फल मिलता है, दिशा संबंधी, दिशा संबंधी कि हमें इस कार्य को करने से हमें किस कार्य की पूर्ति हुई है। तो ये हमारा एक दिशा निर्धारित करती है, जिसे हम कहते हैं एक मार्गदर्शन मिलता है हमें कि हमने जो कार्य किया है वो हमारा किस दिशा में जा रहा है, और ये दिशा कब होती है, जब हमारा इसका एक तरीके से पूरा मूल्यांकन होता है कि
कि हम किस दिशा में, क्या हमने जो कार्य किया है, क्या हम उस दिशा, उस विषय से संबंधित उसी दिशा में रह के हमने कार्य किया है, या कहें कि हम जिस पॉइंट पर, जिस स्टेप पे हम चल रहे थे उसी में ही चले हैं। कई बार होता है कि हमने देखा है कि एक सिंपल तरीका कि अगर कोई स्पीच देने वाला व्यक्ति, कोई अपनी बात कहने वाला कोई नेता या कोई लीडर जब अपने स्पीच देता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो वो सूचना देना चाहते हैं, स्पीच यानी भाषा भी तो अपना सूचना है ना, जो संदेश वो हम तक पहुंचा रहे हैं, वो स्पीच जब हमें दे रहे हैं वो अपना मेन पॉइंट से भटक के, यानी कि जो वो देना चाहते हैं और वो अपना अलग दिशा में, यानी कि अलग बातों की साइड अपना मुख मोड़ लेते हैं। तो इससे हमारा प्रतिफल क्या होता है कि जो स्पीच, जो भाषा वो हमें, जो बात हमें कहलवाना चाह रहे हैं वो हमारे लिए प्रभावशाली नहीं होता। तो इसमें यही बताया कि जो हमारी दिशा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम किस दिशा के साइड हम कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, हमारा सूचना के स्वरूप और सूचना के प्रकार, कि हमें किस तरीके से हमारे सूचना का, जो मैंने आपको स्वरूप बताए थे उसमें मैंने आपको तीन पॉइंट बताए थे। सबसे पहला था हमारा सूचना का गणितीय सिद्धांत, यानी कि एक संख्यात्मक रूप, औपचारिक रूप, जिससे कि हम अपने कहे सीधे से शब्दों में तो वहाँ हम उसकी परिभाषा से संबंधित हम फैक्टेड, तथ्यात्मक होता है। सेकंड था हमारा शब्दार्थ, जब हम गणितीय सिद्धांत परिभाषा को चुनते हैं तो उसमें छुपे हुए शब्दों का, यानी कि सूचना के अंदर जो भाव छुपे हुए हैं हम उसके, उसको परिभाषित करते हैं, उसको शब्दावली करते हैं, उसके अर्थ को समझाते हैं। थर्ड था हमारा निर्णायक मूल्य, कि हम जब लास्ट में हम क्या करते हैं, हर चीज़ का निर्णय निकालते हैं, उस निर्णय निकालते हैं, अंतिम उसका मूल्यांकन होता है कि हमारा मूल्यांकन क्या है, हमने किस तरीके से कार्य किया है। फिर मैंने बताया आपको सूचना के प्रकार, जो सूचना के हमारे छह प्रकार थे, प्रत्यात्मकता, अनुभव, कार्यविधि, प्रेरक, नीति और दिशा। ये था, इसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रत्यात्मकता का बताया। प्रत्यात्मकता का अर्थ होता है विचार, यानी कि उस विचार में हमारे क्या परिभाषा छुपी हुई है, उसका संप्रत्यय क्या है, उसके प्रत्यय से उसके अर्थ से संबंधित स्वरूप। जब अर्थ हम निकालते हैं, जब हम किसी चीज को, किसी चीज का चयन करते हैं या सब्जेक्ट चयन करते हैं, तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्या जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य किसी ने किया है, या हम किसी के अनुभव को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड आता है कि जब भी हम कार्य करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है, कि हमें अपने उन अनुभव का प्रयोग कार्य में करना चाहिए। थर्ड का हमारा जब अनुभव है, तो अनुभव के बाद में हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं कार्य को संगठित करने के लिए, कि हमें किस तरीके से कार्य को करना है, कार्यविधि यानी कि कार्य प्रणाली बनाते हैं, कार्य करने के तरीके को किस सुचारू रूप से करते हैं, कि हमें इस कार्य को किस तरह से करना है। जब हम यहाँ पर प्रणाली तैयार करते हैं, तो हम जो प्रणाली तैयार करते हैं, तो ये प्रणाली, ये कार्य हम क्यों चयन कर रहे हैं, हमारे प्रेरक की वजह से, यानी कि हमारे वातावरण की वजह से, हमारी, और वातावरण क्या है, हमारी आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता ही हमारे लिए वो वातावरण पैदा कर देता है कि हमें ये कार्य करना है। तो ये हो गया हमारा आवश्यकता यानी कि प्रेरक। फिर था हमारा नीति, यानी कि जो प्रेरक, जो वातावरण, जो कार्यविधि हमने बनाई है उसके लिए हम निर्णय निर्धारित करने के लिए हमें क्रमबद्ध बना लेते हैं। यहाँ पर हम जो कार्य प्रणाली हमने बनाई है उसको हम यह क्रमबद्धता कर लेते हैं, क्रमबद्ध में कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्रम निर्धारित कर लेते हैं। लास्ट हमारा था दिशा संबंधी, दिशा निर्धारित, यानी कि हमारे जो कार्य करने का तरीका है वो हमारी दिशा पर निर्धारित करता है। जो हमारा रिजल्ट लास्ट में निकलता है वो हमारी दिशा बताता है कि हमने किस आधार पर कार्य किया है। तो ये था हमारा सूचना के स्वरूप और सूचना के प्रकार। आगे की जो अपनी वीडियो है उसमें मैं आपको सूचना की विशेषताएं, सूचना के गुण, सूचना के घटक, इनके बारे में मैं आपसे विस्तार से अध्ययन करूंगी या विस्तार से आपको बताऊंगी। मैं जो भी आपको ये पॉइंट आपको सूचना के स्वरूप प्रकार के लिखे हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखें, जिससे कि मैं आपको जो आगे की अपनी वीडियो है, इस वीडियो के साथ मैं जो प्रतीक आपको क्वेश्चन दूंगी उस क्वेश्चन को आपको करना होगा। धन्यवाद।